आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों से सिर का दर्द और सिर दर्द होने के पीछे के कारण, उसके लक्षण और उसके उपयोगी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वाकई में अगर आप सर दर्द से हमेशा परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा इसलिए देखें ताकि आपको समझ में ये आए कि ये एक आम बीमारी सर दर्द जो कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल के इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, साथ ही बगल की बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक स्वस्थ शरीर में होने वाले तमाम आम रोगों में से ही है सरदर्द। यह रोग किसी भी प्रकृति के व्यक्ति को किसी भी कारण हो सकता है। आधुनिक जीवन शैली और खान पान सिर दर्द होने का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, बदलती हुई लाइफ स्टाइल और तकनीकी का ज्यादा प्रयोग सिर दर्द को जन्म दे रहा है। सिर में किसी भी कारणवश सिर के किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द ही सिर दर्द कहलाता है। कुछ लोगों को सिर दर्द की समस्या बार बार तंग करती है। सिर दर्द को अगर हम दो तरह से जाने तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में सिर दर्द के असली वजह का पता चलना जहां मुश्किल है, वहीं सेकेंडरी में सिर दर्द किसी अन्य शारीरिक समस्या के होने का संकेत दे जाता है। अब अगर हम सेकेंडरी सिर दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो दोस्तों, यह एक बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि इसके संकेतों को अच्छे से पहचान लिया जाए व किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह ली जाए। आइए आज हम सिर दर्द के कुछ खास लक्षणों व उसके उपयोगी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जब सिर का दर्द जरा सा भी हिलने डुलने से बढ़े, रोगी को कब्जियत की शिकायत हो और प्यास अधिक लगे, तो ऐसे में दोस्तों ब्रायोनिया 30। जी हाँ, ब्रायोनिया 30 दिन में 4 बार लेने से आराम मिल जाएगा। जब चेहरा तमतमाया हुआ लाल हो, सिर में रक्त संचय साफ दिख रहा हो और खास बात यह है कि सिर का दर्द अचानक ही शुरू हो और अचानक ही खत्म हो जाए, तो ऐसे रोगी को बेलाडोना 30। जी हाँ दोस्तों, ऐसे रोगी को बेलाडोना 30 हर 2 घंटे बाद लेनी चाहिए। जब सिर दर्द के रोगी को ऐसा प्रतीत हो कि उसके सर में कोई कील ठोक रहा है, उसका सिर दर्द धुएं व मानसिक तनाव से बढ़ता हो, तो ऐसे रोगी को इग्नेशिया 200। जी हाँ दोस्तों, इग्नेशिया 200 दिन में 2 बार सुबह और शाम नियमित लेनी चाहिए। इससे वो हमेशा के लिए सिर दर्द से राहत पा जाएगा।
सिर दर्द का रोगी जब अपने दर्द के प्रति अति संवेदनशील हो और गुस्से में उसका सिर दर्द बढ़ जाता हो, तो ऐसे में कैमोमिला 200। ऐसे में कैमोमिला 200 नियमित सुबह शाम दो खुराक कुछ दिनों तक लेते रहना चाहिए। इससे उसके सिर दर्द दूर हो सकते हैं। गर्मी, धूप व लू लगने से जब सिर दर्द उत्पन्न हो, सूरज के धूप में सिर दर्द बढ़े और रोगी गर्मी बिल्कुल ही बर्दाश्त न कर सके, तो ऐसे में ग्लोनाइन 6। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ग्लोनाइन 6 की 4 खुराकें सुबह, दोपहर, शाम और रात नियमित कुछ दिनों तक लेते रहने से रोगी को आराम हो जाता है। जब किसी के सिर दर्द का कारण अत्यधिक रक्तस्राव या वीर्यपात हो और रोगी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करे, तो ऐसे रोगी को चाइना 6। जी हाँ दोस्तों, ऐसे रोगी को चाइना 6 नियमित 4 खुराक कुछ दिनों तक लेते रहनी चाहिए। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन यानी कि तेल, घी आदि से बने खाद्य पदार्थ के प्रयोग से जब सिर में दर्द हो और प्यास बिल्कुल ना लगे, जबकि गला सूखा रहे फिर भी प्यास बिल्कुल ना लगे, तो ऐसी परिस्थिति में पल्सेटिला 30। यह दोस्तों, पल्सेटिला 30 रोज 3 खुराक सुबह, दोपहर और शाम लेने से रोगी को सरदर्द से आराम मिल जाता है। जब पित्त की उल्टी होने से रोगी का सिर दर्द आराम हो जाए, तो ऐसे रोगी को चियोनाइंथस क्यू। जी हाँ, चियोनाइंथस क्यू की 15 से 20 बूंदों की एक खुराक थोड़े से ताजे पानी में मिलाकर नित्य 3 बार सुबह, दोपहर और शाम देने से रोगी का सरदर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। जब सिर का दर्द सिर में कपड़ा लपेटने से आराम हो और ठंड लगने से बढ़े, तो ऐसे में साइलेसिया 30। जी हाँ, ऐसे में साइलेसिया 30 की 3 खुराकें रोज सुबह, दोपहर और शाम ले, इससे आपका सरदर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, सिर के दर्द का एक वीडियो हमने इसके पहले भी डाल रखा है, मगर इस वीडियो में कुछ जिद्दी सरदर्द व उसके लक्षणों के साथ कुछ प्रभावी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है, जिससे कि आप आसानी से अपने लक्षण अनुसार सही दवा का सेवन कर अपने सिर दर्द से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले अन्य नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक उपचार के साथ।